गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा. टुडे इज माय लास्ट डे इन गोवा, सो आई थॉट कि लेट मी यू नो टेल यू व्हाट आई ब्रॉट फ्रॉम गोवा मार्केट. सो नथिंग मच, बट या देर आर स्टिल सम. सो आई गॉट अ वेरी क्यूट आउटफिट, गोवा आउटफिट फॉर माय बोथ किड. इसका मतलब यह है कि एक मेरे कौशिकी के लिए और एक मेरे भाई के बच्चे के लिए. सो ये मैंने लिया था कौशिकी के लिए. इसके साथ एक ये भी है जो कौशिकी ने पहना हुआ है इस वीडियो में. दिस इज़ हाउ शी इज़ लुक लाइक एंड दिस कॉस्ट मी 200 rupees. एंड द अदर आई गॉट इट दिस वन एंड दिस ब्यूटीफुल कलर is for my brother kid. तो दोनों का साइज सेम ही है बट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो मैंने ये उसके ले लिया है, विच इज़ वेरी क्यूट. इट्स अगेन 200 rupees. ये ना 350-400 rupees बोलते हैं, बट आपको अच्छी खासी बार्गेनिंग करने की वहाँ पर. और फिर उसके बाद हमने लिया ये, दिस फॉर माई हस्बेंड्स. यू नो ये एक्चुअली उन्होंने बोला था 250 rupees, बार्गिन किया मस्त वाला, और फिर ये मुझे मिला सिर्फ और सिर्फ 100 rupees में. और फिर हमने ना कौशिकी के लिए भी लिया हुआ है, जैसे वो इस वीडियो में दिख रही है, वेरी क्यूट. तो ना हमें एक्चुअली था तो वो बड़ा, लेकिन फिर भी मुझे लेना था तो हमने ये लिया उसके लिए. एंड दिस इज़ ओनली 50 rupees. सो ये कौशिकी के लिए और वो था उनके पापा के लिए. देन उसके बाद मैंने ये क्यूट ब्रेसलेट लिया है, वन फॉर माई फ्रेंड, वन फॉर माई सिस्टर एंड टू फॉर मी. सो इनमें से जो भी उन्हें पसंद आएगा मैं उनको दे दूँगी. एंड ईच कॉस्ट मी 50 rupees, बट ये है ना अगेन वहाँ पे 150 का बोलते हैं, 100 rupees का बोलते हैं. हर एक शॉप में डिफरेंट प्राइजेज हैं, बट दिस आई गॉट इट फ्रॉम कैंडोलिम. कैंडलम बीच के यहाँ पे जो शॉप्स हैं वहाँ से मैंने ये बाय किया, 450 rupees, मतलब 200 rupees में दिस फोर आई गॉट. सो इट्स अ गुड डील. देन फिर उसके बाद मैंने सेम शॉप से ये ब्रेसलेट ली है. अगेन ये बोलते हैं कि 150 or 200 rupees. दिस क्यूट ब्रेसलेट ऑक्सीडाइज मटेरियल में है, तो इन मैंने अगेन 100 rupees में से लिया क्योंकि मैंने सेम शॉप से बाय किया. एंड देन उसके बाद मैंने शेल्स के ऐसे दो लिए हैं, वन फॉर माय फ्रेंड, वन फॉर माय अदर फ्रेंड, क्योंकि ऑब्वियसली गोवा से तो उनके लिए कुछ लाना पड़ेगा. तो ये दो मैंने एंकलेट्स लिए हैं, ऐसे एंकलेट्स हैं. सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंकलेट्स, 40 rupees each. वेंट टू अ बागा बीच, और बागा बीच में मैंने थोड़ी ज़्यादा शॉपिंग की है. वहाँ से मैंने एक बहुत क्यूट सा हेयर पिन लिया है फॉर माई मदर इन लॉ. वो उन्हें वो बन बनाते हैं हमेशा, तो शी हैज़ अ ब्यूटिफुल हेयर ऑल्सो, तो ये मैंने उनके लिए लिया है. एंड दिस कॉस्ट मी 100 rupees. This is very beautiful hair accessories. And then same shop से I brought this. और जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो मुझे ऑफिस बैग में मुझे ये मिरर चाहिए होता है. सो आई ब्रॉट दिस मिरर जिसमें ऐसा वर्क है. एंड दिस इज लाइक दिस. वहाँ पे डिफरेंट प्राइजेस हैं, सो कुछ 200 की भी हैं, कुछ 150 की भी हैं, बट ये सेल में था तो आई गॉट इट फॉर 100 rupees. सो ये भी मैंने ये दिस एंड दिस आई गॉट इट फॉर 100 rupees each. एंड दैट स्पेक्स एंड द अदर स्पेक्स जो कौशिकी का है वो भी मैंने सेम शॉप से लिया था. सो ऑल दिस फोर गोज टू 350 rupees आई पेड. एंड देन फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे गए थे, सो वहाँ पे हमने एक तिब्बतन मार्केट देखा जहाँ पे बहुत अच्छा शॉप है, लाइक यू कैन सी इन दिस वीडियो. सो ये एक्चुअली बागा बीच पे ही है, थोड़ा सा उससे बहुत पहले. आप अगर सर्च करेंगे तिब्बतन मार्केट तो आपको दिख जाएगा. सो वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है, वहाँ पे सिल्वर ज्वेलरीज भी मिलती है, विच इज़ कॉस्ट टू मच. मतलब मैंने पूछा वो बोल रहे 2000 rupees. आई वाज लाइक लुक एट दिस.
So yeah, so I got one this very beautiful finger ring. This cost me 100 rupees. मुझे बहुत टाइम से चाहिए था दिस नेक पीस जो ऐसा है. आई वॉज सर्चिंग बट देर इज़ लॉट ऑफ क्वालिटी इशूज ऑनलाइन, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था. ये बहुत अच्छा लगा मुझे. इसमें बहुत सारे और भी वहाँ पे थे, लाइक लिटरली मोतियों की हार, तो कॉस्टली थे, लाइक 2000 रुपये, 2500 मांग रहे थे, 1800 रुपये मांग रहे थे. बट मैंने बोला आप नॉर्मली दे दो मुझे, क्योंकि हर बार तो नहीं पहनती हूँ मैं, ये साड़ियों पे कभी कभी चाहिए होता है. तो उसने मुझे बोला कि ये ले लो मैडम, ये आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा. बट मैंने बोला नहीं, 100 रुपीज़ तो मैं इसके नहीं दे सकती, हमारे यहाँ पे 20 रुपये का मिलता है. तो मुझे बोलता है आप वहीं से ले लो, फिर 20 रुपये का मिलता है. तो बोलते हैं लेकिन मैं गोवा आई हूँ. फिर मैंने उसको बोला मैं गोवा आई हूँ ना, तो मुझे यहीं से बाय करना है. आई गॉट दिस फॉर 70 रुपीज़. उसके बाद मैंने ये कुछ नेक पीस लिए मम्मा और मेरे लिए, साड़ी को पहनने के लिए. ऐसा है ये, लुक एट दिस. इसमें ऐसी डिटेलिंग दी हुई है और ये ऐसा है, और ये काफ़ी लंबी है, मतलब आप इसको पहनेंगे तो थोड़ा लंबा आएगा. तो ये साड़ियों पे बहुत अच्छा लगता है. और इसमें क्योंकि गोल्डन डिटेलिंग है, तो गोल्डन कुछ भी आप पहन सकते हैं कान में. तो ये एक नेकलेस मैंने लिया जो उन्होंने बोला 400 रुपये का है, बट आई गॉट इट फॉर 250 रुपीज़. मुझे लगा कि ये 200 रुपये में मिल सकता है, बट 400 रुपये से डायरेक्ट 200 रुपये, मतलब 50% कम करेंगे तो वो तो मेरे को दुकान से ही भगा देगा. इसलिए मैंने उसको बोला 250 में देने के लिए, तो उसने मुझे 250 में दे दिया. सेम शॉप से मैंने ये दूसरा भी लिया है मम्मा के लिए. सो ये भी बिग नेकलेस है और इसमें इस तरह की डिटेलिंग दी हुई है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल. सो दिस कॉस्ट मी 250 अगेन. उसने इसका 350 बोला था, बट मैंने उसको बोला दोनों दे दो 500 रुपये में, तो उन्होंने मुझे दोनों 500 रुपये में दे दिए. एंड फॉर माई फ्रेंड्स किड, जो हमारे यहाँ पे तीन और बेटियाँ हैं हमारे फ्रेंड्स की, मतलब तीन और बेटियाँ हैं, तो मैंने उनके लिए भी थोड़ी सी शॉपिंग की है जो नॉर्मली मुझे गुजरात में भी मिलती हैं, बट हमने सोचा कि गोवा में आए हैं तो ले लेते हैं. तो वी गॉट दिस दिस क्यूट लिटिल यू नो पर्स फॉर वन फॉर मिश्का, एंड दिस क्यूट लिटिल अगेन पर्स फॉर तिस्ता, एंड अगेन दिस क्यूट लिटिल यू नो पर्स फॉर पीहू. सो ऑल दोज थ्रीज बेबी गर्ल्स के लिए मैंने ये, और वो सब छोटी छोटी हैं, 2-3 साल की, 4 साल की, 8 साल की, मैंने सब तीनों के लिए मैंने सेम ऐसे पर्स लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में. एंड दिस कॉस्ट मी 200 रुपीज़ एच. 300 रुपये का बोल रहा था, बट फिर हमने उनको बोला 600 रुपीज़ देंगे, आप तीन दे दो. सो दिस इज़ वॉट आई ब्रॉट फ्रॉम गोवा मार्केट. वन थिंग विच यू शुड रिमेम्बर, हाई हजबेंड, फ्रेम में आने के लिए थैंक यू. या सो गोवा में हर एक जगह पे, हर एक शॉप में आपको सेम स्टफ मिलेंगे. मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम गोवा के यू नो शॉप में गई, तो वहाँ पे जो ब्लाउज देखे, जो क्लोथ्स देखे, तो आई वाज लाइक वाओ, आई वांट टू बाय दिस, आई वांट टू बाय दैट, आई वांट टू बाय दैट. बट देन मैंने वहाँ से लिया नहीं था, क्योंकि आई वॉज वेटिंग फॉर कि मैं अंजुना वहाँ पे जाऊँगी, अंजुना बीच के फ्लेम मार्केट में, जो क्लोज था. जो मुझे बाद में पता चला, एवरीवेयर इज़ द सेम स्टफ. सो आपको ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक शॉप में चले जाओ, वहाँ पे पूरा सामान वामान खरीद लो और अच्छी तरह से बार्गेनिंग कर लो. बाकी वहाँ पर हर एक जगह पे आपको सेम स्टफ मिलेगा. सो क्लोथ में मैंने इतना इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि मैं ना देख देख के बोर हो गई थी. सो दैट्स ऑल अबाउट माई शॉपिंग. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.